अब दोस्तों एक बेहतरीन सवाल है आपके सामने लाभ हानि चैप्टर से, और ये सवाल केवल शब्दों में घुमाया है, कोई वैल्यू नहीं दिया है, कुछ भी नहीं किया है, लेकिन आपको इस सवाल को बनाना है। इसमें जो रिलेशन बताया गया है उसी रिलेशन से सवाल बनेगा। कहता है अगर विक्रय मूल्य दुगुना करने पर लाभ तिगुना हो जाता है तो लाभ प्रतिशत क्या है। ध्यान दीजिएगा, विक्रय मूल्य को दुगुना करने पर लाभ तिगुना हो जाता है, तो इसमें आपको तो तीन मान को जानना होगा। सीपी दोस्तों क्या होता है, क्रय मूल्य, एसपी क्या होता है, विक्रय मूल्य, और प्रॉफिट यानी कि लाभ। ठीक है, ये क्रय मूल्य हो गया, ये विक्रय मूल्य हो गया, और ये लाभ हो गया। तो देखिए हमको विक्रय मूल्य को क्या कितना गुना करना है बताइए, विक्रय मूल्य को करना है हमको दोगुना। तो दोगुना हमको करना है, तो अभी हमको कोई मान पता ही नहीं है, तो बिना मान जाने हम दोगुना कैसे कर सकते हैं। तो मान लेते हैं कि लाभ जो है एक रुपया है और क्रय मूल्य दो रुपया था, तो विक्रय मूल्य तीन रुपया होगा। कैसे, बात समझ में आया। अगर किसी सौदे पर आप एक रुपया लाभ कमाते हैं और माना उसे आप दो रुपया में खरीदे हैं, तो विक्रय मूल्य तीन रुपया हो जाएगा। हम क्रय मूल्य एक क्यों नहीं माने, क्योंकि क्रय मूल्य अगर एक मानते तो यहाँ पर जो लाभ है उसको थोड़ा हमको और कम मानना पड़ता, तो पॉइंट में लिखने बढ़िया है कि हम पूरा पूरा मान लेते हैं। और विक्रय मूल्य क्या होता है, जितना में खरीदे हैं और जितना लाभ है दोनों को जोड़ दो। मान लीजिए 10 रुपया आप कोई चीज खरीदे हैं और बेचने पर आपको 3% का लाभ हुआ है, इसका मतलब कि 10 और 3 13 में आप बेचे हैं। अब कहता है कि विक्रय मूल्य को दुगुना करने पर लाभ दोस्तों कितना हो रहा है, तिगुना हो जा रहा है। अब आप बताओ कि विक्रय मूल्य को अगर दुगुना कर रहे हैं तो लाभ आपका तिगुना हो जा रहा है, तो 6 रुपया बेचने पर 3% लाभ है, इसका मतलब कि यहाँ पे क्रय मूल्य 3 निकलेगा। समझ में आ रहा है, ध्यान सुनो, अगर 6 रुपया बेचने पर 3% आपका लाभ है, 6 रुपया बेचने पर 3% आपका लाभ है, इसका मतलब कि आप 3 में ही खरीदे होंगे, तब ना 6 में आप बेचे जो 3 का लाभ हो गया। 6 रुपया बेचने पर 3 रुपया का लाभ है, इसका मतलब कि 3 रुपया लाभ हटा दो, कितना खरीदे आप 3% कर दे। अब यहां से लाभ का परसेंटेज निकालो, लाभ या हानि परसेंटेज निकालने के लिए लाभ या हानि को ऊपर नीचे हमेशा क्रय मूल्य को और 100 से गुना कर देना है, ये कट जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा 100%। आप ऐसे भी सोचिए, 3 रुपया कोई सामान आप खरीदे हैं और बेचने पर उतना ही आपको लाभ हुआ है, जितना हम खरीदे हैं उतना रुपया आपको लाभ हो गया है, इसका मतलब ये हुआ कि पूरा पूरा 100% लाभ कमाए। 4% खरीदे और 8% बेचे, इसका मतलब यह हुआ कि पूरा पूरा 100% का आप लाभ कमाए। 5 रुपया खरीदे और 10% बेचे, तो 5% क्रय मूल्य, 5% लाभ, इसका मतलब हुआ कि आपको 100% का लाभ हुआ है। आई बात समझ में। और 5% में खरीदे और 0 में बेच दिए, ठीक है, 5% खरीदे और 0 में बेच दिए, इसका मतलब हुआ कि आपको कुछ नहीं मिला, 100% का हानि हो गया। बात समझ में आ गया, जितना खरीदे डबल में बेचे 100% लाभ, जितना में खरीदे कुछ रुपया में भी नहीं बेचे 0 में बेच दिए 100% की हानि। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद। अब दोस्तों आपके सामने एक सवाल है रेकरिंग का, जो कि भिन्न के टॉपिक यानी फ्रैक्शन टॉपिक से दिया गया है, और रेकरिंग को देखते कुछ लोग भाई ये /9 या /99 करने के चक्कर में खूब कैलकुलेशन में फंस जाता है और लगता है भाई सवाल बहुत डिफिकल्ट है। लेकिन आप देखेंगे कि इसमें हम कुछ भी नहीं करेंगे, कुछ बटा नहीं करेंगे, कुछ भिन्न नहीं लगाएंगे और सवाल सॉल्व होगा। कैसे, समझिए। क्वेश्चन दिया गया है 3.47 पर रेकरिंग, फिर दिया गया है 4.53 पर रेकरिंग, और फिर दिया गया है 0.08 पर रेकरिंग, और सबको जोड़ना है, सबको जोड़ना है। देखिए अब ऐसे सवालों में घटाव का भी आ सकता है और घटाव जोड़ मिला के भी दे सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, सबका कॉन्सेप्ट सेम होगा, आप ध्यान समझिए। देखिए रेकरिंग का मतलब क्या होता है, पहले आप ये समझिए, आप लोग रेकरिंग का मतलब अब तक समझे हो कि भाई उसको बटा ना करना, बिल्कुल नहीं, कैलकुलेशन में बिल्कुल नहीं करना है, समझिए सिंपल। रेकरिंग हम तब लगाते हैं जब कोई रुकने का नाम ही ना ले, है ना, रेकरिंग हम तब लगाते हैं जब कोई रुकने का नाम ना ले, यानी कि 47 रुकने का नाम नहीं ले रहा है इसलिए उसको रोकने के लिए हम रेकरिंग लगा दिए। ठीक है, तो अब क्या करेंगे कि इस 47 को आगे बढ़ाएंगे और कम से कम 6 अंकों तक लेके जाइएगा, ठीक है,
तो आपका आंसर बिल्कुल सटीक बैठेगा, 0.08 ये करोड़ क्यों दिए, क्योंकि ये अनंत तक जाएगा, रुकेगा ही नहीं। अब जोड़िए इसको, 7, 3, 10, 8, 18, 5, 4, 9, 1, 10, हाथ में एक, ध्यान देंगे हाथ में एक, 10, 8, 18, 1, 19 हाथ में एक, 9, 1, 10 हाथ में एक, 18, 1, 19 हाथ में एक, 9, 1, 10 हाथ में एक, 4, 3, 7 और 1, 8 ये डॉट डॉट चलता है। आपका जो ऑप्शन दोस्तों दिया गया है, देखिए 8 दशमलव में तो खैर एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी है, आप मार सकते हैं। लेकिन अब कुछ लोगों को यहाँ पे कंफ्यूजन होगा कि 0.9 माने कि 0.8, मान लीजिए 8 पॉइंट आपका ऑप्शन होता 8.08 और 8.09, किसको आप आंसर मानते हैं? तो भाई इसका आंसर 8.09 होना चाहिए, क्यों आप वो ध्यान दीजिएगा। देखिए पॉइंट के बाद ये 09 और 09 रिपीट हो रहा है, लेकिन 08 केवल अंत में दिख रहा है। अगर इसको 6 अंक तक नहीं 60 अंक तक ले जाए, है दोस्तों, अगर 6 अंक नहीं 60 अंक तक ले जाए तो ये 08 एकदम अंत में होगा और बाकी सब 09 09 09 09 09 होगा। इसका मतलब रिपीट कौन सा हो रहा होगा, 09, तो रेकरिंग कहां पे लगेगा, 09 पर आंसर। क्या आपको बात समझ में आया? ठीक है, ये है इस तरह सवालों को बनाने का सही तरीका। ओके दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। दोस्तों एक और सवाल नंबर सिस्टम का, ये जो सवाल है एक टॉपिक है आपका शेषफल प्रमेय, इसको आप अंग्रेजी में कहते हैं रिमाइंडर थ्योरम, और उस टॉपिक से ये सवाल जो आपके सामने है, ये सवाल कई बार रिपीट किया गया है, कई टेट में, कई शिक्षक एग्जाम में पूछा गया है, और इसमें आप क्या करते हैं, प्रोसेस लगाते हैं। लेकिन हम जो तरीका आपको समझाएंगे उसमें आपको प्रोसेस लगाने का काम ही नहीं है, सीधा आप आंसर लगा सकते हैं। क्वेश्चन कहता है किसी संख्या एन को 4 से भाग देने पर शेषफल 3 प्राप्त होता है, यानी रिमाइंडर 3 प्राप्त होता है, 2n को 4 से भाग देने पर शेष कितना होगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, इसमें कोई संख्या n है, n को भाग किया किससे, 4 से, तो शेष कितना मिला है, 3। अब कहता है कि 2n को अगर आप 4 से भाग करते हैं तो शेष क्या मिलेगा, ये पूछा जा रहा है। देखिए इस सवाल में आप पहले एक बेसिक को समझिए, अगर हम किसी भी संख्या को भाग करते हैं, किसी भी संख्या को, और अगर उसमें शेष बचता है तो जो शेष आपको मिल रहा है, यानी जो रिमाइंडर आपको मिल रहा है, वो उसी संख्या का एक हिस्सा है, अर्थात वो उस डिविजर का ही, सॉरी एक डिविडेंड का ही एक हिस्सा है। जैसे अगर आप 15 को 4 से भाग करते हो तो 4 * 3 = 12 आता है, और आप लिखते हैं कि सर 3 शेष बच गया, तो ये 3 कहीं आसमान से उड़ के तो आया नहीं, ये 3 किसका हिस्सा हो रहा है दोस्तों, 15 का ही हिस्सा हो रहा है। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि जो शेष बचता है, जो शेषफल बचता है, वो संख्या का ही हिस्सा है? इसका मतलब ये हुआ कि ये जो 3 है वो इस n का ही हिस्सा है, और अगर हम इस n को दोगुना करेंगे तो दोस्तों ये शेष भी अंदर ही अंदर दोगुना हो रहा होगा, क्योंकि ये 3 जो है n का ही हिस्सा है, तो n में जो भी परिवर्तन लाएंगे, जो भी चेंज करेंगे, वो उस शेष को भी उतना ही दर से, उतना ही तरह से प्रभावित करेगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि आप ये जो हाथ, दोस्तों ये हाथ हम लोग का अंग है, आप कोई हाथ में 2 डंडा मारा है तो बोला कि भाई तुमको चोट थोड़ी लग रहा है, हाथ को लग रहा है, ऐसा हो सकता है क्या? ये हाथ हमारा ही अंग है, तो इस हाथ को मारोगे तो चोट हमको ही लगेगा। उसी प्रकार से अगर ये 3 अगर n का ही हिस्सा है, तो n को जो भी आप चेंजिंग करोगे, इस शेष में भी उतना ही चेंजिंग होगा। यानी कि अब ये हो जाए दोस्तों कितना, 3 × 2, क्योंकि हम n को दोगुना किए, यानी ये हो गया 6। अब आप क्या करना कि जब आप चेंज करने के बाद जब आपको मान प्राप्त हो जाए, डायरेक्ट अब इसी को भाग कर दो, तो 6 को 4 से भाग करोगे तो आप आराम से कह सकते हो कि शेष मिलेगा 2। अब कोई इतना भी तो बोकानी वाई होगा कि 6 को 4 से कैसे भाग करना है। ठीक है, तो आप सवाल को इस ढंग से समझिए। अब मान लीजिए इसी क्वेश्चन में ऐसा दिया होता कि किसी संख्या n को 4 से भाग करने पर 3 शेष बचता है, तो बोलता कि n स्क्वायर को 4 से भाग करने पर शेष क्या बचेगा, बताओ आप लोग क्या करते? तो आप कहते कि सर इस 3 को भी हम क्या कर देते, स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर कितना आता, 9। अब उस 9 को 4 से भाग करते, शेष बचता कितना, 1 बचता,
चार दुनी आठ कटता एक बचा। तो अब इस तरह के सवाल पे कुछ भी करें, 2n करें, 3n करें, n स्क्वायर करें, n क्यूब करें, आप आराम से सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। आई बात समझ में दोस्तों? ये पहला क्वेश्चन आपका नंबर सिस्टम टॉपिक से है, जिसमें कि एक टॉपिक आता है इकाई अंक ज्ञात करना, अंग्रेजी कहते हैं इसको यूनिट डिजिट, है ना। सबसे लास्ट वाला अंक क्या होगा ये निकालना है, अगर सामान्य भाषा में कहा जाए तो। क्वेश्चन दिया गया है 3 पे पावर 65 गुना 6 पे पावर 59 गुना 7 पे पावर 71। अब इसको सॉल्व करना है आपको, और सॉल्व करके बताना है कि इसका जो मान आने वाला है वैल्यू, उसका इकाई अंक में कौन होने वाला है। दोस्तों इसमें से आप लोग को एक बात ध्यान होगा, अगर कोई हमारा नंबर सिस्टम क्लास अगर आप किए हैं तो आपको पता होगा कि किसी भी संख्या जैसे 0, 1, 5, 6 कोई भी संख्या जिसके अंत में 0, 1, 5, 6 या तो 0, 1, 5, 6 के ऊपर कोई भी पावर लगा रहे, इसको फर्क नहीं पड़ने वाला है, इसका इकाई अंक तो भाई 6 ही आएगा। यानी 6 पे पावर कुछ भी हो, 5 पे पावर कुछ भी हो, 1 पे पावर कुछ भी हो और 0 पे पावर कुछ भी हो, उसका इकाई अंक सेम आने वाला है, कोई चेंज नहीं होगा। अब देखिए 7 और 3, देखिए आपको याद रखना है कि 2, 3, 7 और 8 ये चार ऐसे अंक होंगे, ये चार ऐसे नंबर हैं जिस पर पावर होने के बाद आपको पावर को क्या करना है, 4 से भाग करना है। तो 71 को 4 से भाग करेंगे और 64 को 4 से भाग करेंगे, ठीक है, सॉरी 65 को। तो 65 को 4 से भाग करेंगे तो 64 तक कट जाएगा, तो यहां बचेगा 3 पे पावर 1। ध्यान रखेंगे काटने के बाद जो शेष बचेगा, जैसे 65 काटे शेष 1 बचा, 71 तक अगर हम काटेंगे 4 से तो 68 कट जाएगा, 17 × 4 = 68, यहां बच जाएगा 3। तो उस शेष बचे हुए मान को आप क्या मान लेंगे, पावर। तो 3 पे पावर 1 इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, यहां तो 6 है ही। 7 पे पावर 3, 7 का क्यूब कितना होता है, अगर आपको पता हो तो बड़ा फास्ट हो जाएगा, 7 का क्यूब हो जाएगा 343, 343। और अगर किसी को नहीं आता देखिए तो क्या करना है, 7 × 7 × 7। अब आप बोलेंगे सर ये तो बच्चा वाला चीज है, नहीं यहां समझ के ध्यान से, 7 × 7 = 49। अब 49 × 7 नहीं करना है, 9 × 7 करना है, तो 9 × 7 कितना होता है, 63। तो 63 यानी कि अंत वाला मान लेना है 3, क्योंकि गुना करने पे कितना आया 63, अंत वाले के 3। अब देखिए 3 × 3 = 9, ठीक है, और 9 × 6 = 54। 54 यानी कि अंत में कितने दोस्तों आ गया, 8, सॉरी 4। तो आपका ऑप्शन देखिए 4 दिया गया है, ऑप्शन नंबर सी में देखिए 4 दिया गया है, यही इसका आंसर हो जाएगा, है ना। अच्छा क्वेश्चन है, तो आप इकाई वाला आपके क्वेश्चन अगर आपको और अच्छा से करना है तो आप नंबर सिस्टम का ये टॉपिक मैंने पढ़ाया है यूट्यूब पे, जाके आप ढूंढ सकते हैं इकाई का मान निकालना, आपको सारा कॉन्सेप्ट मिल जाएगा उसमें, ठीक है, 0 से लेकर 9 तक का क्या रूल है सब सिखा दिए। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। दोस्तों आपके सामने एक सवाल दिख रहा है जो सवाल भिन्न और आयु संबंध को मिला के बनाया गया है। ये सवाल एक बार पढ़ने के बाद आप में से कई लोगों को दिक्कत हो रही है कि इसको बनाए कैसे, शुरू कैसे किया जाए, जबकि ये सवाल बहुत ही आसानी से बनेगा, समझ के ध्यान से। कहता है कमला का विवाह 6 वर्ष पूर्व हुआ, पूर्व दोस्तों होता पहले यानी पास्ट टाइम, आज उसकी आयु, आज दोस्तों हो गया वर्तमान प्रेजेंट टाइम, आज उसकी आयु उसके विवाह के समय से 1 पूर्णांक 1/4 गुना हुआ है, उसके पुत्र की आयु उसके विवाह की, दोस्तों देखिए यहां थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, मिसप्रिंट किया यहां पे, उसके पुत्र की आयु जो है उसके वर्तमान आयु का 1/30 गुना है, ये होना चाहिए, देखते हैं 5 वर्ष बाद उसके पुत्र की आयु कितनी होगी। देखिए 6 वर्ष पहले, तो 6 वर्ष पूर्व एक काम करते हैं, इसकी आयु मान लेते हैं एक्स, 6 वर्ष पूर्व के कमला कितनी आयु की थी, एक्स वर्ष की थी। अब कहता है कि आज उसकी आयु, तो जब हम आज के टाइम में तुलना कर रहे हैं तो आज के टाइम में आने के लिए हमको 6 साल जोड़ना पड़ेगा, तो कमला का वर्तमान आयु दोस्तों कितना जाएगा, एक्स प्लस 6। तो दोस्तों आगे कहता है कि आज उसकी आयु उसके विवाह के समय की आयु से, यानी आज की जो आयु है उसके विवाह के समय की आयु से 1 पूर्णांक 1/4, उसको सॉल्व करेंगे 4 × 4 = 5, 5/4 है मतलब बराबर, ध्यान रखेंगे है मतलब
बराबर। अब उसी को सॉल्व करते हैं तो x प्लस सिक्स बराबर यह हो जाएगा आपका 5x बटा 4। क्रॉस गुना करते हैं यहां से जाएगा 4x प्लस 6 चौक 24 बराबर यह हो जाएगा 5x। अब देखिए यहां पर 4x, अब देखिए ये आएगा इधर तो माइनस हो जाएगा 5x, ये 24 प्लस से हो जाएगा माइनस, 4 में 5 गया तो माइनस एक्स, और दोस्तों ये हो गया माइनस 24। इसका मतलब है कि x का मान आप निकाल रहे हैं कितना 24। तो अगर x का मान आपसे 24 निकला तो इसका मतलब कि 6 वर्ष पहले जब उसकी शादी हुई थी तो कमला का उम्र 24 साल था और वर्तमान में ये 24 और 6 30 साल की है। अब देखिए यहाँ क्या बोला, उसके पुत्र की आयु उसके विवाह की। अब देखिए यहाँ थोड़ा मिस्टेक हुआ है, इसे मिसप्रिंट किया गया है, उसके पुत्र की आयु उसके उसके वर्तमान आयु की, यहाँ विवाह का नहीं होगा, वर्तमान आयु का, वर्तमान आयु का 1/2 कितना बोला है 10 है, तो उसका पुत्र जो है दोस्तों वर्तमान आयु कितना है 30, 30 का 1/10 कितना होगा बताइए, 30 का 1/10 3 साल होगा। अब कहता है 5 वर्ष बाद उसके पुत्र की आयु कितनी होगी, यानी पुत्र अभी है 3 साल का तो 5 साल इसमें और जोड़ दो तो पुत्र 5 साल के बाद कुल 8 साल का हो जाए, है ना। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, थोड़ा सा घुमा के लिखा था लेकिन बढ़िया क्वेश्चन था, आप आसानी से इसको कर सकते थे। ठीक है दोस्तों।